यमुनानगर में दिनदहाड़े दहशत फैलाकर जिम से अपनी कार में लौट रही महिला से लूट और किडनैपिंग की कोशिश करने वाले चारों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। घटना के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चारों आपस में दोस्त हैं और लूट करने के लिए पहले इन्होंने महिला की रेकी की और उसके बाद प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन आसपास के लोग और महिला के जानकारों की आने पर इनकी प्लानिंग फेल हो गई और तीन बदमाश भागने में कामयाब हो गए थे। ये सुबह एक महिला जिम करके नीचे अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाने के लिए तैयार थी, उसी दौरान चार लड़के आए जिन्होंने उस महिला को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और उसकी गर्दन दबा के नीचे उससे लूट करने की कोशिश करी और उसको किडनैप करने की कोशिश करी। तो ये सारी सूचना पाकर एक उसका जो जानकार था उसने देखा कि इस गाड़ी के अंदर एक महिला को ऐसा किया जा रहा है, तो उसने शोर मचाया जिस पे ये सभी लड़के गाड़ी से दौड़ के बाहर भाग गए। उसके बाद में एक लड़के को काबू कर लिया गया जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौका पर पहुंची। मौका के पहुंच पे उस औरत के बयान लिए गए और FIR दर्ज कर दी गई। हमारे SP साहब मोहित हांडा जी ने हमें डायरेक्शन दी कि एक पूरी टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा जिसमें हमारी सभी CI यूनिट्स एक्टिव हुई और इन लड़कों को सभी को काबू कर लिया गया। कहाँ के रहने वाले सर और क्या क्या नाम है इनके? इसमें चार लड़के हैं, दिनेश, दीपक, शरद और विशाल। कहाँ के रहने वाले सर? ये दिनेश करनाल के रहने वाले हैं, दीपक हुड्डा ये छसरौली के रहने वाले हैं, शरद हुड्डा के और विशाल रेतगढ़ छप्पर से हैं। इनका सर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? पहले भी इन पे कोई मुकदमे दर्ज हैं? अभी इस चीज की पूरी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इनको हमने अरेस्ट कर लिया है, इनका रिमांड लिया जाएगा और ये किस मकसद से कब से ये ऐसी वारदातें कर रहे हैं सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। तो सर कैसे योजना बनाई इन्होंने? ये जितना अभी तक सामने है, इन्होंने 5 दिन पहले इस महिला को पिरामिड के आसपास देखा था। इनकी जो अभी तक की प्लानिंग जो समझ में आई है, ये उससे लूट करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सुबह सुबह का टाइम चुना कि ये महिला अक्सर यहाँ आती है और उसी तरीके से इन्होंने योजना बनाई कि इसको गाड़ी में काबू कर लेंगे। जैसे ही आज ये महिला आई, इसको गाड़ी में काबू कर लिया, लेकिन इसके तो महिला के जो जानकार थे वो मौके पे पहुंच गए जिसके कारण ये वारदात ये कर नहीं पाए और मौका से फरार हो गए। इसमें अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जो आएंगी आपको बता दी जाएंगी। तो आपस में कैसे मिले और क्या प्लानिंग हो रही? ये आपस में दोस्त थे, एक इनका मित्र था जो करनाल से आया था और जो शरद है ये हुड्डा में रहते हैं, जो ये आपस में रिश्तेदार हैं। जो दिनेश है वो शरद के पास आया, करनाल से रहने वाला, हुड्डा में रहने वाले शरद के पास आया और इन्होंने योजना बनाई कि हम कोई ऐसी वो करते हैं कि कुछ पैसे इनके हाथ में आए, जो आगे फर्दर इन्होंने क्या करना था वो इन्वेस्टिगेशन में